वेलकम बैक दोस्तों। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था कि डोमेन क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होते हैं। उसमें बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डोमेन कहाँ से परचेज करना है, होस्टिंग कहाँ से परचेज करना है। तो मैंने आपको वीडियो में सारी स्पेसिफिक वेबसाइट और सब कुछ बता दिया था कि आप लोग को कहाँ से डोमेन खरीदना है, कहाँ से होस्टिंग खरीदना है। तो आप लोग ना वीडियो थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि वीडियो में हर एक जगह एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप कुछ भी पार्ट को स्किप करते हो ना, अगर आप 10 सेकंड भी स्किप कर दोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। तो चलो अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि डोमेन कैसे परचेज करना है और होस्टिंग कहां से परचेज करनी है। तो अभी मैं अपनी तरफ से ये वीडियो बना रहा हूं, और ये सभी कह रहे थे कि लैपटॉप पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये वीडियो अब मोबाइल पे शूट करूंगा। बगल में चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर देखो कि आपको कैसे डोमेन खरीदना है, कैसे होस्टिंग खरीदनी है। और अगर आपको डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदनी है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। मैं ब्लॉगर पे भी आपको वेबसाइट और बनाना सिखा दूंगा, लेकिन मैंने कहा था कि अगर ब्लॉगर पे अकाउंट बनाना है, ब्लॉगर पे वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए तुम्हारे पास डोमेन होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप डोमेन भी नहीं खरीदना चाहते हैं, एकदम चिंदी चोरी करना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बस आप जिंदगी भर पैसा कमाने का सोचते रहेंगे, कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा आप कमा पाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको फ्री मेथड और पेड मेथड सारे बता दूंगा। पेड थोड़ा सा जल्दी कमा सकते हो, फ्री वाले में थोड़ा टाइम लग सकता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मोबाइल पे बताते हैं कि आप लोग पहले डोमेन कैसे खरीद सकते हो। तो डोमेन खरीदने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ओपन करो और क्रोम ब्राउजर में सर्च करो डोमेन इंडिया। ये देखो मेरा अकाउंट इसमें है तो पहले से ही सर्च कर रहा है। तो आप लोग देखो डोमेन इंडिया .org करके ये वेबसाइट है और इस पे आपको चले जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, अब की बार मैं सर्चिज का लिंक दे दूंगा, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप देखो इस डोमेन इंडिया में आपको देखिए ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आपके सामने ये देखिए लिखा है कि 10% डिस्काउंट फर्स्ट एनुअल परचेज, और ये देखिए .in डोमेन, ये जो आपको दिख रहा है .in डोमेन 285 रुपए में। मैंने इसी का बताया था कि आपको .in डोमेन परचेज कर लेना है क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ देखो नीचे लिखा है लुकिंग फॉर अ डोमेन नेम। तो आप जिस भी कैटेगरी की वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप हिंदी में बनाना चाहते हो, इंग्लिश में, मैंने आपसे कहा था कि आप एक कैटेगरी चूज करो, निच चूज करो। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आपको एक चीज में महारत हासिल करनी पड़ेगी। मतलब आप अगर आपको टेक्नोलॉजी का पता है तो आप एप्स के बारे में लिख सकते हो कि ये ऐप कैसे काम करता है, गूगल ड्राइव कैसे काम करती है। अगर आप लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे तो आप बॉलीवुड की लाइफस्टाइल बता सकते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल बता सकते हैं कि इनकी लाइफ में क्या है, इनके पास क्या है। आप किसी की बायोग्राफी लिख सकते हैं, वो आपके अंदर जो स्किल होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डोमेन सर्च करो। मैं यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में मैंने यहाँ पर टेक एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल देके बताया था, टेक एक्स वाई जेड .in सर्च करो। और देखो मैंने सर्च करा, तो आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ रजिस्टर्ड डोमेन आएगा, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके फिर इसको सर्च कर देना। अब आप देखो सर्च में दिखा रहा है टेक एक्स वाई जेड .in है ही नहीं, वो मतलब ये किसी ने पहले से ही खरीद लिया है। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो सिलेक्टेड डोमेन नेम है वो आप ढूंढिए, आप कुछ यूनिक नेम डालिए, टेक सचिन। अब देखिए टेक सचिन एक्स वाई जेड सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये आता है या नहीं। देखिए टेक सचिन एक्स वाई जेड .com अवेलेबल है, लेकिन मैंने कहा था .com है महंगा 818 रुपए का, आपको .in लेना है 286 रुपए का है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये डोमेन नेम अच्छा लग रहा है, आप जो भी डोमेन खरीदना चाहते हो वो अपना नाम डालो, सर्च करो। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ये वाला ये इस नेम का डोमेन खरीदो, ये आपका काम है, आपकी वेबसाइट है, आपको इतना तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो तब भी आप ये सोचते हो कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या होना चाहिए, तो इसलिए अपनी वेबसाइट का नाम रखो। और मैंने कहा था कि उसमें आपका कीवर्ड आना चाहिए, अगर आपकी न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट है तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूज आना चाहिए, और 2 से 3 वर्ड का ही आपको डोमेन लेना है। तो अब यहाँ .in पे एड पे क्लिक कर दो, देखो आ गया चेकआउट का ऑप्शन, चेकआउट पे आओ, चेकआउट वाले ऑप्शन पे देखो यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर देखो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू कर दो। अब कंटिन्यू करने के बाद देखो ये 286 रुपए दिखा रहा है, और अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसा मतलब इसका कोई प्रोमो कोड मिल जाए, तो अब ये जैसे प्रोमो कोड कैसे ढूंढना वो भी बता देता हूँ, एकदम A to Z बताता हूँ। आप लोग फिर कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आया, .org प्रोमो कोड,
अगर मिल जाए कोई तो। देखो यहीं से आप ऐसे करके कूपन इसका ढूंढना, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 286 रुपए है, आप इसी को बस यहाँ से अपना देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लो, आप जहाँ से हो वो स्टेट सिलेक्ट कर लो, नीचे इंडिया लगाने दो और ये देखो सब बस चेकआउट का ऑप्शन आ गया, 337 रुपए दिखा रहा है, चेकआउट पे क्लिक कर दो। चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ बिलिंग एड्रेस का आएगा और साइनअप करने को कहेगा, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लो और यहाँ बिलिंग एड्रेस डाल दो, सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर आके फाइनल पेमेंट कर दो, चाहे जिससे कर दो, रोजर पे, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी, और बस कंप्लीट ऑर्डर कर दो, ये आपका परचेज हो जाए। अब आपको बताते हैं कि होस्टिंग कैसे परचेज करना। होस्टिंग के लिए आओ गूगल पे, होस्टिंगर सर्च करो, होस्टिंगर खोलो, होस्टिंगर में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, एक दिन और चलेगी, और इसमें क्या है कि सबसे अच्छी बात है 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। आप होस्टिंग खरीदो, नहीं अच्छी लगती, कह दो भैया हमें नहीं चलाना, पैसे वापस कर देते हैं, हम खुद होस्टिंगर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करो और यहाँ होस्टिंग में क्लिक करो। अब देखो वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, अब इन 3 होस्टिंग को देखो, जो सबसे सस्ती हो वो वाली ले लो। अब देखो सिंगल वर्डप्रेस, एक वेबसाइट और 50 GB SSD स्टोरेज, 10,000 विजिट मंथली, ये सब लिमिटेड है लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए तुम्हारा बढ़िया है। अब इसको करो एड टू कार्ट। अब देखिए होस्टिंगर में एक चीज है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप बिग रॉक भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी 300 रुपए पड़ रही थी और ये भी आपको एक महीने का आपको 329 रुपए पड़ रहा, और अगर आप इसको एक साल का साथ में पेमेंट कर देंगे तो आपको 119 की पड़ेगी, 69 रुपए के साथ करेंगे तो आपको 2 साल का पेमेंट एक साथ में करना। तो आप देख लो कि आपको ये कैसे क्या खरीदना है, यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर लो। अगर आपको मंथली करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ नीचे फेसबुक गूगल दिख रहा है, या क्रिएट एन अकाउंट से आके अकाउंट बनाओ और UPI और किसी के थ्रू भी पेमेंट कर दो, उसके बाद आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। और मैंने बताया था कि अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको होस्टिंग और जो डोमेन है आपका वो दोनों को लिंक कैसे करना है, होस्टिंग के नेम सर्वर डोमेन में कैसे करने हैं। तो अभी क्या है, आपके इतने कमेंट आ गए कि भैया कैसे हम जाके परचेज करें, तो हमने कहा लाओ ये भी बताया जाए तुम लोगों को, अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमारा काम तो आपको बताना है। अब जैसे होस्टिंगर का है ऐसे ही बिग रॉक का है, डोमेन खरीदने की और होस्टिंग खरीदने का तरीके यही है, बस वेबसाइट अलग अलग है। आप थोड़ी सी जाके रिसर्च करो कहाँ से सस्ती मिलेगी, मैंने डोमेन का बता दिया कहाँ सस्ती मिलेगी, अब होस्टिंग का भी मैंने बता दिया होस्टिंगर पे मिलेगा। अगर और सस्ता ढूंढना है तो थोड़ा सा तुम्हें चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी वेबसाइट है वहां से जाके आप चेक करो। और अगर आप लोग होस्टिंग नहीं खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो कि एकदम फ्री में आप वेबसाइट को बनाओ, तो फिर इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करो। मैं कल की वीडियो में मैं ब्लॉगर के बारे में बताऊंगा, ब्लॉगर में कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो पहले मैं वो कवर कर दूंगा, फिर मैं वर्डप्रेस का कवर करूंगा, क्योंकि आप लोग को ये लग रहा है कि पहले पैसे नहीं लगाने चाहिए बिजनेस में, तो ठीक है हम पहले आपको ब्लॉगर के बारे में बता देंगे कि ब्लॉगर में कैसे वेबसाइट बनाते हैं, क्या करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा।